साल 2013 में द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान सर की एक मूवी आई थी, जिस मूवी का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। इस मूवी में आपको जो हीरोइन के किरदार में हीरोइन दिखाई गई है, उस हीरोइन का नाम है द क्वीन ऑफ ब्यूटी दीपिका पादुकोण मैम। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ के बजट में बनाई गई है, जिसका बाद में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 423 करोड़। यहाँ से ही आप सब आइडिया लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो ये मूवी किस हद तक चली थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए और बहुत सारे बिहाइंड द सीन के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो के शुरू में ही बात कर लेते हैं, इस मूवी को जो डायरेक्ट किया उसका नाम है रोहित शेट्टी। अब जो बात करने वाला हूँ आइकॉनिक सीन के बारे में, तो मैं आप सबको बता दूँ ये DDLJ का कॉपी है। फिर भी ये सीन गोवा के भास्को डा गामा, जो एक लोकल रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे शूट की गई थी, जिसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, ताकि हर एक ट्रेन आध आध घंटा के बाद आ रही थी। मैं बता दूँ इस शूट को करने के लिए बहुत ज़्यादा रीटेक लेना पड़ा, जिसके हिसाब से ये पूरा शूट 6 दिन में क्लियर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 6 दिन लग गए ये शूट करने में। और मैं आप सभी को बता दूं, ये मूवी में जो ट्रेन दिखाई गई है ये रियल ट्रेन है, ना कि कोई VFX का कमाल था। पर मैं आप सभी को बता दूं, कुछ जगह का सीन जो कि ओरिजिनल ट्रेन में शूट नहीं किया जा सकता था, उसके लिए एक मुंबई के महबूब स्टूडियो में डुप्लीकेट ट्रेन बना के कुछ सीन शूट किया गया था, जो कि पूरे ब्लू बैकग्राउंड से झक दिया गया था। बाद में VFX के कमाल से उस शूट को रियल के साथ जोड़ दिया गया था। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो VFX का काम किया है वो रेड चिली कंपनी ने किया है, जो कि खुद शाहरुख खान सर की VFX कंपनी है। अब जो शूट दिखाने जा रहा हूँ मूवी में, इस जगह का सीन तो है जहाँ पे राहुल और मिनम्मा को पकड़ के लाते हैं मिनम्मा के पापा के पास। और आप सब जान के हैरान होंगे, जो इस मूवी में मिनम्मा के पापा का रोल किया था उसका नाम है सत्याराज, जो कि बाहुबली में कटप्पा का रोल भी किए थे। और आप सब अभी जो अब लोकेशन देख पा रहे हो, ये भी गोवा का ही लोकल लोकेशन है। आप जो अभी बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल वाटरफॉल देख पा रहे हो, मैं बता दूं इस वाटरफॉल का नाम है दूत वाटरफॉल, और ये भी गोवा का ही सीन है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये शूट के लिए लगभग 700 बंदा का ज़रूरत पड़ा, और इसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ी, ताकि ऊपर से जो नीचे वाला रूट दिखा सके उसके लिए शूट किया गया था हेलीकॉप्टर से। अब ये शूटिंग के लिए मैं आप सभी को बता दूं, पूरा एक ट्रेन सभी मूवी के साथ जुड़े हुए बंदे के लिए बुक करनी पड़ी थी। और मैं आप सभी को बता दूं, ये सिर्फ सिंगल ट्रैक की ही लाइन थी, जिसके लिए शूट करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी पूरे टीम को। मतलब जितने बार ट्रेन आ रही थी उतने बार अपना पूरा सामान हटा के ट्रेन को जाने देते रहे थे, और जब जब ट्रेन गुजर रही थी उसके बाद फिर पूरा सेट लगा के शूट कर रहे थे। जिसके लिए मैं फिर से एक बार बता दूं, ये शूट के लिए भी लगभग 6 दिन लग गए। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इस साल का सबसे बड़ा सॉन्ग था लुंगी डांस। मैं आप सभी को बता दूं, ये सॉन्ग रजनीकांत सर को डेडिकेट सॉन्ग था, जिसका काफ़ी सारा डांस स्टेप रजनीकांत सर से लिया हुआ था, जो कि शाहरुख खान सर को पर्सनली ये सॉन्ग पसंद नहीं आई थी, जो कि एक टाइम की सबसे हिट सॉन्ग थी। अब जो आप शूट देख पा रहे हो, ये तितली सॉन्ग का शूट है, इसके लिए अलग अलग जगह जाना पड़ा। और मैं सभी को बता दूं, ये सॉन्ग का कोरियोग्राफर फारा खान। अभी जो आप टेंपल देख पा रहे हो, मैं आप सभी को बता दूं इस टेंपल के बारे में, टेंपल तमिलनाडु के 500 साल पुरानी टेंपल है, जिस पे चढ़ने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ी से ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस मूवी का बहुत ज़्यादा शूट रामोजी राव फिल्म सिटी में भी शूट किया गया था। तो दोस्तों, आप जो मैं आप सबको सीन दिखाने जा रहा हूँ, ये मूवी का सबसे फनी सीन था, जहाँ में मिनम्मा यानी दीपिका पादुकोण मैम को चुड़ैल पकड़ लेती है। और मैं आप सभी को बता दूँ, ये छोटा सा शूटिंग के लिए एक पूरा गांव जैसा माहौल बनाना पड़ा था, ताकि ये शूटिंग का पूरा लोकेशन नेचुरल लगे।
और ये पूरा सेट महाराष्ट्र के एक जगह पे बनाया गया था। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो शूट किया गया था ये रात के टाइम पूरे ठंडे में शूट की गई थी, और ये शूटिंग की शूट होने में लगभग 4 से 4.5 दिन लग गए थे। अभी जो आप देखने जा रहे हो इस मूवी का एक्शन सीन, जहां में आपने देखा होगा शाहरुख खान सर बाइक से एक्शन करते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं ये शाहरुख खान सर ने खुद ही किया था, जिसके लिए डायरेक्टर ने एक्शन हीरो तो ज़रूर बुलाया था पर शाहरुख खान सर को ये सीन खुद करना था। इसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, जो कि बार बार शाहरुख खान सर बाइक गिरा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शाहरुख खान सर ने खुद किया बहुत सारे मेहनत के बाद। अब जो दिखा रहा हूँ मूवी का ये सीन, तो आप सब ने देख देख कर बहुत ज़्यादा ही हंसे होंगे। मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी का सीन करने के लिए ओरिजिनल कार को नदी पे ही डुबाया गया था। मैं फिर भी आप सभी को एक बार बताना चाहूँगा, ये सीन करने वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा पूरी टीम को, क्योंकि बार बार रस्सी से खींच के ऊपर लाना पड़ता था और बार बार ये शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रीटेक लेना पड़ा। और ये छोटी सी शूट के लिए कितना ज़्यादा पूरे टीम को मेहनत करना पड़ा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं आप सभी को बता दूं ये छोटा सा शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए। तो दोस्तों आप सभी को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ इस मूवी का अंतिम शॉट, यानी जहाँ में राहुल और थंबावली की लड़ाई होती है। तो मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा ये लड़ाई ओरिजिनल में ही करी गई थी, ताकि ये अच्छा सीन हो सके, इसके लिए कोई भी VFX का कमाल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी कार एक्सीडेंट किया गया था वो सब कार ओरिजिनल कार ही थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा डायरेक्टर रोहित शेट्टी को, उसकी बाद ही इतना मास्टरपीस मूवी बन पाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारी जानकारी लेकर रोज़ाना मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तो मैं दोस्तों आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं कल।